Hey guys, welcome to my channel Beauty Tips and Recipes. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर केयर रेमेडी, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप मुल्तानी मिट्टी से अपने बालों को कैसे वॉश कर सकते हैं। जब पहले के टाइम में शैम्पूज नहीं होते थे, तब लोग इसी को यूज करके अपने बालों को वॉश करते थे। अच्छे से इससे बाल बहुत ही सॉफ्ट भी हो जाते हैं और क्लीन भी हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए यहाँ पर ये मुल्तानी मिट्टी ली हुई है, या आपको ब्रिक फॉर्म में मिल जाता है, या फिर आप इस तरह से पाउडर भी लेकर आ सकते हैं। मेरे पास ब्रिक था, उसका मैंने इस तरह पाउडर बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़े बड़े बड़े दाने आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये जो है वो बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ये आप सभी जानते ही होंगे। बहुत पुराने टाइम से ही लोग इसे अपने बालों पर और अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से काफी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। बट आजकल वो सब चीजें बहुत ही कम हो गई हैं, तो इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। इसमें मैं सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ और हमारा हैंड वॉश बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, और इसमें मैं यहाँ पर ये मुल्तानी मिट्टी ऐड कर रही हूँ। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ही लीजिए। मैं यहाँ पर ये 4 चम्मच ले रही हूँ, और इसके बाद हम इसका पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पर लेमन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं पूरा 1 लेमन ले रही हूँ, ताकि ये हमारे बालों को अच्छे से क्लेंस कर सके। लेमन हमारे बालों को काफी अच्छे से क्लेंस कर देता है, इसीलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी स्कैल्प पे कोई भी इन्फेक्शन है तो ये उसे भी दूर करने में हेल्प करता है, और काफी अच्छे से ये आपके बालों को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाने में भी हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पर ये पूरा 1 लेमन ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पर स्क्वीज कर लूंगी इसमें। और आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैंने ये 4 चम्मच लिया है, बट ये काफी ज्यादा हो जाता है जब आप इसका पेस्ट बनाओगे तो आपको इसी के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करना है। मैंने यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही बनाया है, और अगर आपने बालों में ऑयलिंग भी की हुई है तो काफी अच्छे से ये आपके ऑयलिंग वाले बालों को भी क्लीन कर देता है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ये फ्रेश दही। अगर आपके पास खट्टा दही है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ये भी आपके बालों को क्लेंस करने में हेल्प करता है, और साथ ही आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करता है। तो बस इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि ये अभी थोड़ा थिक लग रहा है, बट मैं यहाँ पर इसमें पानी ऐड करूंगी, ताकि इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। तो बस अब मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा, इसका स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। इसे मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और बस इसे आपको इस तरह से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए रख देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो जो मुल्तानी मिट्टी है वो थोड़ा सा फूल जाएगी, और इसकी क्वांटिटी आप देखेंगे कि काफी ज्यादा हो जाती है। और अगर आपने ऑयलिंग की हुई है तो आप इसे बालों में 2 बार वॉश कीजिए, इजीली आपका ऑयल निकल जाएगा और काफी सॉफ्ट एंड स्मूथ सिल्की बाल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये अभी भी थिक है। तो बस यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स करना है, और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर इसे मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्टिकी हो जाता है, और इसमें थोड़े थोड़े आपको गुठलियां भी नजर आ रही होंगी। तो बस यहाँ पर मैंने इसे 5 मिनट के लिए रख दिया था, और उसके बाद इसे फिर से अच्छे से मैंने मिक्स किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गुठलियां नजर नहीं आएंगी, और काफी अच्छा सा स्मूथ सा ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो बस इसे ही हमें अपने बालों पर अच्छे से अप्लाई करना है। जिस तरह से आप शैम्पू अप्लाई करते हैं, उसी तरह से आपको इसे रूट से लेकर टिप्स तक अपने बालों पर अच्छे से अप्लाई करना है। आपको ये फोम नहीं देगा, बट काफी अच्छे से आपके बालों को क्लेंस कर देगा। और अगर आपने ऑयलिंग की हुई है तो आप इससे 2 बार हेड वॉश कीजिए, इजीली आपका ऑयल भी निकल जाएगा। तो बस आपको इसे रेगुलर ट्राई करना है। जिस तरह से आप ट्राई करते हैं, इसका रिजल्ट आपको 3 से 4 बार में काफी अच्छे मिल जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1-2 बार में स्टार्टिंग में रिजल्ट्स अच्छे ना मिले, बट उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।